Hello CMA buddies, my name is CMA Jyoti Gupta and I am here to tell you about something, one of our CMA final subject, strategic performance management and business valuation, जिसे हम SPM and BV के नाम से भी जानते हैं. तो आज मैं आप लोगों को स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ कि हम इस सब्जेक्ट को किस तरह से पढ़ सकते हैं और इसमें हाईएस्ट मार्क्स अचीव कर सकते हैं. तो आप सबको जानते ही हो जैसे कि इस सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है दो पार्ट में डिवाइडेड है, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन. बोथ कवर करते हैं 50-50% की वेटेज है इन दोनों ही सेक्शंस की. एसपीएम भी 50% मार्क्स की वेटेज रखते हैं, बीवी भी 50% मार्क्स की वेटेज रखता है. तो पहले मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ हमारा एसपीएम के बारे में, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. जो SPM जो हमारा पोर्शन है इसमें हमारा मेनली थ्योरी कवर करता है इंस्टीट्यूट. मेनली से जो क्वेश्चंस आते हैं वो थ्योरी के आते हैं. तो गाइज ये जो मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है इस सब्जेक्ट के लिए वो एक एवरेज स्टूडेंट को देखकर बनाई है कि अगर एक एवरेज स्टूडेंट पूरे दिन में 10 पेजेस भी रीड करता है, कवर करता है, तो वो इस सब्जेक्ट को किस तरह से इजिली विद नोट्स प्रिपरेशन कवर कर सकता है. तो ये सब्जेक्ट जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है उस अकॉर्डिंग आप 40-45 डेज के अंदर कम्प्लीटली कवर कर सकते हैं विद रिविजन. ओके, तो यहां पर मैंने, आप देख सकते हैं यहां पर मैंने वेटेज के अकॉर्डिंग किस तरह से एग्जाम में एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, वेटेज के अकॉर्डिंग मैंने यहां पर रैंकिंग दे रखी है. जैसे कि यहां पर रैंकिंग नंबर 1 पर हमारा आता है एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट. ये इसको मैंने फर्स्ट रैंकिंग दी है क्योंकि सबसे ज्यादा एग्जामिनर जो एसपीएम का जो पोर्शन है इसमें सबसे ज्यादा वेटेज जो है एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट के, इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसकी वेटेज जो 1 पर दी हुई है मैंने. तो ये जो चैप्टर है कवर करता है ऑलमोस्ट 40 पेजेस इस स्टडी मैट में. तो इसको मैंने ये सोचते हुए माना है कि कोई एवरेज स्टूडेंट जिसको 3-4 डेज में कवर कर लेगा. ओके, अगर वो 10 पेजेस डेली भी रीड करता है और विद नोट्स, अगर वो नोट्स, प्लीज मैं आपको सजेस्ट करूंगी गाइस कि अगर जब भी आप ये पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए बैठने सब्जेक्ट को, तो साथ साथ नोट्स जरूर बनाइएगा क्योंकि ये एसपीएम वैसे भी थ्योरी पोर्शन है. तो थ्योरी में हम लोगों को जब एग्जाम टाइम आता है तो हम लोग सारा कवर नहीं कर पाते हैं, इतना टाइम नहीं होता कि हम लोग सब कुछ देख पाए. तो जो हमने नोट्स प्रिपेयर किए होते हैं वही हमारे काम आते हैं एग्जाम टाइम पर. तो प्लीज गाइज मेक योर नोट्स इन योर ओन वे. ओके, यू कैन फॉलो एनी वे विच यू लाइक. तो अगर मैं इस स्टडी नोट 4 की बात करूं एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, तो इसमें एक जेड स्कोर नाम का एक कॉन्सेप्ट है, ऑल्टमैन मॉडल. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में. तो इसको प्लीज अच्छे से करिएगा आप, 3-4 दिन के अंदर आप इस चैप्टर को कवर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से हो जाएगा और आप मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर लेंगे. एंड सेकेंड में बात करूं तो सेकेंड नंबर पर है हमारा परफॉर्मेंस इवेल्युएशन एंड इम्प्रूवमेंट टूल, जिससे ज्यादा मेनली क्वेश्चन आते हैं. यहाँ पर मैंने स्टार मार्क किया हुआ है जिन भी टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में. जैसे कि एक है हमारा बैलेंस स्कोर कार्ड है, ड्यू पॉइंट एनालिसिस है, बेंच मार्किंग एंड बेंच ट्रेंडिंग, नेक्स्ट वन इज ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग टूल्स, एंड दी लास्ट वन इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जामिनर जो कंटिन्यूअसली क्वेश्चन पूछ रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इनको आप जरूर कवर करना. तो ये जो चैप्टर है 40 पेजेस कवर करता है, तो ये भी आप 4 डेज के अंदर अंदर कवर कर सकते हैं इजीली अगर आप अच्छे से करेंगे विद नोट्स प्रिपरेशन. ओके, थर्ड नंबर पर है हमारा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. तो ये 28 पेजेस का है जिसको आप 3 डेज में कवर कर सकते हैं इजीली. और इसमें जो मेन जो कॉन्सेप्ट हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं वो है हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, एंड द सेकंड वन इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जिससे कि थ्योरी क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं. तो आप लोगों से पता ही होगा एसपीएम हमारा मेनली थ्योरी पोर्शन कवर करता है, बट इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रैक्टिकल आ जाते हैं, जैसे कि डू पॉइंट एनालिसिस जो है इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बन जाता है हमारा. एक हमारे जो जेड स्कोर मैं बता रही हूँ इससे हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है, बट मेनली इससे थ्योरी ही पूछी जाती है एग्जाम में एसपीएम जो हमारा पोर्शन है उससे. लास्ट बट नॉट लीस्ट है हमारा इकोनॉमिक एफिशिएंसी ऑफ द फर्म परफॉर्मेंस एनालिसिस. ये ऑलमोस्ट 60-70 पेजेस कवर करता है इस हमारे स्टडी मैट में और हम इसको 6-7 डेज के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं. इससे भी गाइस प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है, इसमें हमारा जो है प्रॉफिट एंड प्रॉफिट के क्वेश्चन आते हैं. प्रॉफिट हमें पता लगाना होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंपनी का कितना है कितना नहीं है, तो इससे मेनली प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं. तो आप उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना. ओके, तो नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं हमारा सेक्शन बी की तरफ जो कि है हमारा बिजनेस वैल्यूएशन.
तो मेनली हमारा बिजनेस वैल्यूएशन जो है वो प्रैक्टिकल अप्रोच रखता है. इसमें इससे मेनली हमारे जो एग्जाम में है प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन आते हैं, थ्योरेटिकल आते हैं बट कम आते हैं, ज्यादातर मेनली इसमें प्रैक्टिकल्स ही आते हैं. तो इसमें मैंने वेटेज दी है, जो हमारी फर्स्ट वेटेज रखता है इसमें वो है इसका स्टडी नोट 8, वैल्यूएशन इन मर्जर्स एंड एक्विजिशंस. गाइज जो ये चैप्टर है वैल्यूएशन इन मर्जर्स एंड एक्विजिशन, इसमें से सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जरूर आते हैं. तो आप इसको तो मीन्स डबल मार्क कर लो, डबल स्टार मार्क कर लो कि ये तो कर ही जाना है, किसी हालत में छोड़ना ही नहीं है. तो इसको आप इस चैप्टर को आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं 5 डेज के अंदर. विद इन 5 डेज यू कैन कवर ऑल दी टॉपिक्स ऑफ इट विद रिविजन. एंड गाइज इसके सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से कर लेना. ओके बिल्कुल भी इसको रिस्क मत लेना इसको छोड़ने का. देन अगर मैं सेकेंड वेटेज देखूं यहाँ पर तो है हमारा स्टडी नोट 6 वैल्यूएशन मॉडल्स, ठीक है, जिसको आप 6 to 7 days में कवर कर सकते हैं इजिली. इसमें हमारे जो मेन अगर मैं बताऊं आपको टॉपिक्स, तो हमारे जो कैश फ्लो से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं. इसमें वैल्यूएशन ऑफ फर्म इंपॉर्टेंट है, बट क्योंकि इसकी वेटेज सेकंड नंबर पर है तो आप इसको पूरा ही कंप्लीट करना, इसको छोड़ना नहीं, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं अच्छे से, एग्जामिनर पूछता है, बार बार पूछ रहा है एग्जाम्स में, तो इसलिए प्लीज इसको पूरा ही कवर करना. थर्ड पर अगर हम देखते हैं तो है हमारा वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. ये थोड़ा लेंदी है चैप्टर बट वेटेज भी है इसकी, आप इसको 9 to 10 days में कवर कर सकते हैं इजिली एज एन एवरेज स्टूडेंट. अगर जो बच्चा अबव एवरेज स्टूडेंट है तो वो ऑब्वियसली इसको जल्दी कवर कर सकता है विद इन 1 week. बट यहाँ पर मैं ऐसे स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ जो मतलब जिनको एवरेज टाइम लगता है, मीन ना ज्यादा ना कम, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये बनाई है स्ट्रेटेजी. तो इस चैप्टर में अगर हम देखें तो हमारा वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स एंड शेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉपीराइट्स, गुडविल एंड ब्रांड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ वैल्यूएशन, वैल्यू एडेड, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एंड मार्केट वैल्यू एडेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये 4 टॉपिक्स जो इस चैप्टर में हैं. तो आप इन चारों को प्लीज जरूर कवर कर लीजिएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं एग्जाम्स में, जिससे कि आप अच्छे से कर पाए एग्जाम्स विद कॉन्फिडेंस. एंड लास्ट हमारा है बिजनेस वैल्यूएशन बेसिक्स. तो गाइज मैं ये कहूंगी कि जब आप इस बिजनेस वैल्यूएशन को स्टार्ट करो तो प्लीज पहले रीड जो है इस चैप्टर को जरूर करना, बिजनेस वैल्यूएशन बेसिक्स, ताकि आपको जो है वैल्यूएशन की जो बेसिक्स चीजें हैं वो पता हो. मैंने इसको वेटेज लास्ट दी है वो इसलिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन से कम आते हैं, बट ये चैप्टर जो है रीड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप ये रीड नहीं करोगे तो आप समझ नहीं पाओगे कि हम वैल्यूएशन क्यों करते हैं, क्या उसकी मीन्स इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में और बिजनेस लाइफ में हम क्यों चीजों को वैल्यू करते हैं. तो इस चैप्टर में आपको वो सब देखने को मिलेगा. तो प्लीज सबसे पहले आप रीड इसको कर लें, बाकी बाद में स्टार्ट करना. बट हाँ, वेटेज के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो एग्जाम्स में इतने क्वेश्चन उसमें से नहीं आते हैं, आप इसको 2 to 3 days में इजिली कवर कर सकते हो. तो आप इसको मैं कहूंगी सबसे पहले सी को कवर करना, देन आप बिजनेस वैल्यूएशन स्टार्ट करना, तो आपको इजिली सब चीजें समझ में आएंगी. ओके गाइज, होप सो आपको ये समझ आ रहा होगा, होप सो आप फॉलो कर पाओ ये स्ट्रेटेजी को विद नोट्स. मैं ये बता रही हूँ, ये जो स्ट्रेटेजी मैंने बनाई है ये हमारे स्टडी मैट को देखकर बनाई है, ये मैंने किसी और टीचर की बुक किया उसको देखकर नहीं बनाई कि आप उतने दिन में कवर कर लो. मैंने इस स्टडी मैट को गो थ्रू किया, इसके पेजेस देखे और एक एवरेज स्टूडेंट की तरह पूरा देखा कि एक एवरेज बच्चा इसको किस तरह से कवर कर सकता है, कितने दिनों में कवर कर सकता है. और गाइज प्लीज स्टडी मैट को फॉलो करना, स्टडी मैट से ही मेनली प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो मेनली स्टडी मैट से ही आते हैं. तो आप प्लीज इसका एक भी जो जितने भी प्रैक्टिकल्स दे रखे हैं स्टडी मैट में सब कुछ सारे कवर करके जाना एग्जाम्स में, क्योंकि आपको एग्जाम्स में वही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बस थोड़ी सी वैल्यूज वगैरह चेंज हो जाती हैं, बट ऑलमोस्ट स्टडी मैट ही इंस्टीट्यूट जो है कवर करता है फॉर प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्पेशली. एंड थ्योरी पोर्शन भी बहुत अच्छा दे रखा है हमारे इंस्टीट्यूट ने, स्टडी मैट बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है. तो अगर मैं अब काउंट करूं कि आप इस सब्जेक्ट को कितने दिन में कवर कर सकते हैं, तो लेट्स सी कितने दिन बनते हैं. तो 3 days फॉर स्टडी नोट 1, फॉर सेकेंड स्टडी नोट 4 days मैक्सिमम, 3 to 4 days हैं बट मैं मैक्सिमम लेकर चल रही हूँ 4 days. गाइज मेरी हैंड राइटिंग बहुत खराब है तो प्लीज उस पर ध्यान मत देना. स्टडी नोट 3 इज फॉर 7 days, 4 की बात करते हैं तो 4 days. हमारा 5th है हमारा 3 days.
सिक्स्थ की बात करूं तो सेवन डेज हैं, सेवेंथ जो है हमारा स्टडी नोट उसमें 10 डेज हैं, एंड देन एट्थ में हमारे 5 डेज हैं। तो अगर मैं इनको कैलकुलेट करूं 3, 4, 7, 4, 3, 10 + 5 टोटल हुए हमारे 43 डेज। तो आप 43 डेज के अंदर अंदर ये जो सब्जेक्ट है पूरा अच्छे से कवर कर सकते हैं, और वो भी विद स्टडी नोट्स बनाकर अपने। और जो बच्चे की स्पीड, जिस भी स्टूडेंट की स्पीड ज्यादा है तो ऑब्वियसली वो उसको 40 डेज के अंदर अंदर कवर कर लेगा अच्छी तरीके से। तो ये थी मेरी स्ट्रेटेजी सब्जेक्ट को लेकर। गाइज, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो प्लीज आप अपने कमेंट्स बॉक्स में बताना कि आपको कैसी लगी ये वीडियो, यूजफुल लगी या नहीं लगी। और अगर आप मुझे किसी और टॉपिक पर चाहते हैं मैं आपके लिए वीडियो प्रिपेयर करूं तो प्लीज मुझे बताइएगा, मैं जरूर प्रिपेयर करूंगी, आपकी हेल्प करूंगी। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।